मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान रेलवे यूनियन द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया। मुरादाबाद के लाइन पार स्थित रेलवे के कैरिज वैगन शाखा में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। सभी लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए हुए थे और मजदूर दिवस को मनाने के लिए अपनी चर्चाएँ करते हुए दिखाई दिए। नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन के मंडल अध्यक्ष व मंडल मंत्री ने सभी को मजदूर दिवस की बधाई दी और कहा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे की मदद करें और इस कोरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। मजदूर दिवस के अवसर पर मुरादाबाद में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए हुए थे। शुक्रवार को मुरादाबाद के लाइन पार स्थित कैरिज रैंगिंग शाखा में मजदूर दिवस के अवसर पर नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने सभी मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए काम कर रही है, ऐसे में मजदूर तक का भी अपना भरपूर योगदान दे रहा है। सभा को संबोधित करते हुए मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा, रेल के मजदूरों की वजह से, तो इसलिए मैं तो अपील करूंगा, आप लोग कहीं भी हो, आप उन तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, उन तमाम नर्सेस के लिए, उन तमाम स्टेशन ऑफिस के अंदर हमारे साथी आपकी सैलरी बनाने के लिए पहुंचे हैं, जो कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं, जो CNW के हमारे साथी काम कर रहे हैं, जो गेटमैन, ट्रैकमैन, इसके अलावा लोको पायलट, गार्ड और न जाने तमाम ऐसे कैटेगरीज, जो सिग्नल से लेकर तमाम ऐसे और भी कैटेगरीज जो अभी मोर्चा संभाले हुए हैं, ये आप लोगों के सहयोग, हौसले और आप लोगों के, जिसे कहना चाहिए, जज्बे का ही कारण हो सकता है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब तक जिंदगी है तो इंसान वही है जो हार ना माने। आप लोगों को उसी चिंता दिली का परिचय देते हुए और अपने तमाम साथियों को भी मोटिवेट करने का काम करना है। और यह काम करते हुए अगर हम लोग ये संकल्प लें कि हमें देश भी चलाना है, रेल भी चलानी है, परिवार भी चलाना है और अपने बच्चों के साथ साथ हमें इस देश के तमाम रोजगार नौजवान साथियों के लिए भी कुछ कर गुजरना है, ये संकल्प लेकर आज हमें यहाँ से चलने का काम करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हमारे ऐसे मजदूर जो बेचारे एक रोटी को भी मोहताज हैं, उनको किसी भी रूप में हो सके तो आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग आगे आइए और अपना समय थोड़ा बहुत उनको भी दीजिए। जो जमा पूंजी आपने अपने ईश्वर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने तमाम, जिस तरह से कहना चाहिए, उद्देश्यों के लिए किया, उसका कोई शेंस निकाल कर उनकी सहायता के भी आप लोग दें, मैं आप सबसे यह अपील करूँगा। आज यूनियन के मंडल अध्यक्ष RK बाली ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आज सरकार मजदूरों के साथ अच्छा कोई बात नहीं कर रही है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आने वाला समय मजदूरों के लिए बड़ी समस्या लेकर आ सकता है। ये हमारा जो है मई दिवस को हर साल की तरह मनाया जाता है, मगर इस समय देश में कोरोना का विपदा आई हुई है, देश में क्या पूरी दुनिया में, उसको लेकर भारतीय रेल, क्योंकि हम लोग गाड़ियों के चलाने का संचालन का काम कर रहे हैं, गाड़ी रिपेयर का काम कर रहे हैं, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ हमारे सारे साथी यहाँ 33% के हिसाब से काम कर रहे हैं, गाड़ियों को चलवाने का काम कर रहे हैं, उसी उसमें हमारा DA जो हमारा रोक दिया गया, जो बहुत रोष है लोगों में। आज मजदूर दिवस के दिन काली फीती बांध के हम लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि हम लोग जब काम कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, नर्सिस हमारी काम कर रही, डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं, हमारे सारे गार्ड, ड्राइवर सब लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों का DA नहीं रोका जाना चाहिए। हम लोग रेल के लिए तत्पर हैं, देश के लिए तत्पर हैं और इसीलिए मजदूर दिवस को एक एक मजदूर के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कल को मार जो पड़ने वाली है कोरोना की, वो मजदूरी के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, उनकी मेहनताने के ऊपर, उनकी रोजगार के ऊपर, उनकी रोटी के ऊपर पड़ने वाली है, इसके लिए हम लोग समर्पण हैं, इकट्ठे होकर हमने सबसे अपील करी है कि सब लोग इस महामारी से बचाने के लिए अपने मजदूर भाइयों का सहयोग करें, अपने लोगों का सहयोग करें, अपनी सफाई रखें, इस कोरोना को भगाने में जितना सहयोग हो सकता है करें, इसी की मजदूर एकता जिंदाबाद करते हुए आज ये डे मनाया गया।